हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रकाश और आज आप पढ़ने वाले हो संडे अक्टूबर 13, 2019 का द हिंदू एडिटोरियल। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टुवार्ड्स अ रिचार्जेबल वर्ल्ड, मतलब रिचार्जेबल वर्ल्ड की ओर। अब ये रिचार्जेबल वर्ल्ड क्या है, आपको इस इमेज से ही आइडिया लग गया होगा कि यहाँ बैटरी की बात हो रही है, ठीक है। तो स्पेशली ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर बैटरीज जो हों रिचार्जेबल हों, ठीक है। तो उस क्षेत्र की ओर यहाँ पर जाने की इन्होंने बात कही है। आप एक हेडिंग पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। हाउ द लिथियम आयन बैटरी विच वॉन फॉर इट्स डेवलपर्स द केमिस्ट्री नोबल सेट ऑफ अ टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, मतलब कहने का किस प्रकार से लिथियम आयन बैटरी जिसने कि जीता है फॉर इट्स डेवलपर्स, इट्स डेवलपर्स मतलब अपने निर्माणकर्ताओं के लिए, जिसने लिथियम आयन बैटरी का निर्माण किया उन निर्माणकर्ताओं के लिए जिसने जीता है, क्या जीता है, द केमिस्ट्री नोबल, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो अपने निर्माणकर्ताओं के लिए जिसने केमिस्ट्री का नोबेल जीता है वो लिथियम आयन बैटरी किस प्रकार से सेट ऑफ ए टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, उसने सेट ऑफ मतलब स्टार्टेड, शुरू कर दिया है, बिगिन कर दिया है अ टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, मतलब एक तकनीकी क्षेत्र में क्रांति, किस प्रकार से उसने तकनीकी क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा 2019 का केमिस्ट्री फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज के लिए ही दिया गया है, ठीक है। और उसमें तीन लोग हैं जिनको मिलकर के ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें आपके गुड इनफ विटिंगम जी और साथ में एक योशिनो करके हैं, तो उनके नाम आपको यहाँ पर पता लग जाएंगे। तो बेसिकली ये टॉपिक जो है, उन्होंने क्या संघर्ष किया, क्या स्ट्रगल किया और किस प्रकार से फाइनली उन्होंने अपने अचीवमेंट को हासिल किया, तो उसको लेकर के पूरा प्रोसेस बताया गया। तो थोड़ा साइंटिफिक टॉपिक है ये, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आप साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है। और 2019 के नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड है, तो ये तो कन्फर्म है कि एडिटोरियल पढ़ने के दौरान या लास्ट तक में आपको इस नोबेल प्राइज़ यानी केमिस्ट्री के फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो किस लिए दिया गया है और किनको किनको दिया गया है उनके नाम जरूर आपको याद हो जाएंगे। तो यही हमारा मेन जो है टारगेट है कि कम से कम आपको नाम याद हो जाए, तो आप ही कम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर पूछा जाएगा तो कम से कम आप नाम तो कर ही मतलब ठीक तो कर ही पाओगे कि हाँ ये केमिस्ट्री फील्ड में इनको दिया गया है 2019 में, ठीक है। तो ये तो मेन पर्पज़ है जो कि हो ही जाएगा नॉर्मली, और आप टॉपिक को कितना इन्जॉय कर पाते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं और शुरू करते हैं टॉपिक को समझना। द स्टोरी सो फार, अभी तक की स्टोरी क्या है आप समझिए, मेन जो स्टोरी है इसकी क्या है। द 2019 नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री, 2019 का नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री के लिए वॉज अवार्डेड टू जॉन बी गुड इनफ, किसको दिया गया, जॉन बी गुड इनफ को, एम स्टैनली विटिंगम और एंड अकीरा योशिनो, और अकीरा योशिनो इन तीनों को दिया गया है फॉर वर्किंग, काम करने के लिए टुवार्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल लिथियम आयन बैटरी, किस लिए, टुवार्ड्स द डेवलपमेंट मतलब विकास के लिए ऑफ प्रैक्टिकल लिथियम आयन बैटरी, व्यवहारिक रूप की लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए इन तीनों को 2019 का केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये मेन स्टोरी है, अब इसी को ये कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। तो हमें बेसिकली इन तीनों के नाम याद होने चाहिए, और बहुत सिंपल है, आप लास्ट का टाइटल याद कर लीजिए तब भी आप के लिए सफिशियंट है, ठीक है। गुड इनफ हैं और ये विटिंगम हैं और इधर ये योशिनो जी हैं, ठीक है। तो इन तीनों को मिलकर के ये प्राइस दिया गया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दीज बैटरीज आर द एडिफिस ऑफ द वायरलेस टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन दैट मेड पॉसिबल पोर्टेबल कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर्स। देखिए ये जो बैटरीज हैं लिथियम आयन प्रैक्टिकल बैटरी जो इन्होंने डेवलप की उसी की बात कर रहे हैं। दीज बैटरीज आर एडिफिस, एडिफिस मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव बिल्डिंग, आप महल कह सकते हो, मतलब एक मेन बेसिस जो कि शानदार हो, भव्य हो। तो यही कह रहे हैं कि दीज बैटरीज आर द एडिफिस मतलब ये मेन आधार हैं ऑफ द वायरलेस टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, वायरलेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति का मुख्य एडिफिस, मेन बिल्डिंग है ये, मुख्य आधार है, ठीक है। दैट मेड पॉसिबल, जिन्होंने संभव बनाया है पोर्टेबल कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर्स, पोर्टेबल मतलब ईजिली कैरी करना, जिसे आसानी से कैरी किया जा सके, इधर उधर ले जा सके, ले जाया जा सके, उन्हें पोर्टेबल कहते हैं, ठीक है। तो पोर्टेबल कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर्स बनाने में जिन्होंने मतलब का निर्माण जिन्होंने संभव बनाया है, और क्या, डिजिटल रिस्ट वॉचेस जिन्होंने संभव बनाई, लैपटॉप्स एंड द मोबाइल फोन्स ऑफ टूडे, और आज के मोबाइल फोन्स भी, ठीक है। तो ये वो बैटरीज हैं, ये मतलब ये जो बैटरीज हैं ये क्या हैं,
आर एडिफिस ये मूल रूप हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन लाने का, जिन्होंने संभव बनाया है पोर्टेबल कॉम्पैक्ट डिस्प्लेयर का निर्माण, डिजिटल रिस्ट वॉचेस और लैपटॉप्स और साथ में आज के समय के मोबाइल फ़ोन्स भी। ठीक है, इट इज़ आल्सो सीन एज, इसको ऐसे भी देखा जाता है, इट इज़ आल्सो सीन एज इम्पॉर्टेंट टू अ फॉसिल फ्री फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। मतलब इसको देखा जाता है कैसे, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रूप में, टू अ फॉसिल फ्री फ्यूचर जीवाश्म मुक्त भविष्य के लिए, ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक कार के, इलेक्ट्रिक कार का भविष्य जो होगा वो जीवाश्म मुक्त होगा, इसलिए भी इसे महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। अच्छा, जीवाश्म मुक्त होने का मतलब, भाई अभी तो पेट्रोल डीजल से चलती है, इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी तो फिर वो कहाँ से चलेंगी, फिर तो वो बैटरी से चलेंगी, तो फॉसिल फ्री हुआ कि नहीं फ्यूचर? बिल्कुल हुआ, अभी फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन से ही, पेट्रोल डीजल से ही हमारी इलेक्ट्रिक मतलब व्हीकल्स चलते हैं, तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे तो डेफिनेटली फॉसिल फ्री फ्यूचर हो जाएगा। उसी के लिए कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में भी इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा सकती है। ठीक है, दैट गवर्नमेंट इन्विसेजेस, जिसे कि गवर्नमेंट सरकारें, इन्विसेज मतलब कहने का इमेजिन, मतलब कहने का कल्पना करती हैं कि हाँ ये भविष्य में हो सकता है। तो इन्विसेज का मतलब होता है जस्ट टू इमेजिन दैट कैन हैपन इन फ्यूचर, मतलब ऐसी चीज़ की कल्पना करना जो कि भविष्य में हो सकती है, जो संभावित हो, अनुमान लगाना भी कह सकते हो। ठीक है, तो दैट गवर्नमेंट्स इन्विसेज, जिसे कि गवर्नमेंट कल्पना करती है, टू एड्रेस, एड्रेस माने संबोधित करने के लिए, क्लाइमेट चेंज मतलब ये आपका जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए भी गवर्नमेंट जिसकी कल्पना करती है, जिसका अनुमान लगाती है। मींस कहने का ये कि जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो गवर्नमेंट हमेशा प्रमोट करती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स हम मार्केट में लेके आएंगे, है ना, टू व्हीलर आ गया जैसे। तो ऐसे ही मतलब कहने का कि इलेक्ट्रिसिटी से या बैटरी से यूज़ होने वाले जो व्हीकल्स, अगर हम ट्रांसपोर्ट एरिया में ऐसी चीज़ें लेकर के आते हैं तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी बड़ा मेजर जो मतलब कंट्रीब्यूशन है वो इस समय ट्रांसपोर्ट सेक्टर का भी है, इसलिए क्योंकि फैक्ट्रीज कंपनीज तो है ही, लेकिन जो ये मतलब धुआं निकलता है ये काफ़ी हार्मफुल हो जाता है और क्लाइमेट को चेंज करता है। ठीक है, तो उस एरिया में भी आप इसे समझ सकते हो। तो बेसिकली पूरा मीनिंग क्या निकला कि इट इज़ आल्सो सीन एज, मतलब बैटरी का जो निर्माण है इसे महत्वपूर्ण देखा जा सकता है इलेक्ट्रिक कार के फॉसिल फ्री फ्यूचर के रूप में। ये इलेक्ट्रिक कार का फॉसिल फ्री फ्यूचर है क्या? दैट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जिसको गवर्नमेंट मतलब आगे बढ़ाती है, उसका इमेजिन करती है, कल्पना करती है कि भविष्य में ये होगा, किस लिए करती हैं? टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, मतलब संबोधित करने के लिए। एड्रेस माने पता होता है, लेकिन एड्रेस जब वर्ब के रूप में आता है तो उसका मतलब होता है संबोधित करना, किस चीज़ का समाधान निकालना, वो होता है एड्रेस, है ना। जैसे एड्रेस द मीटिंग, मतलब मीटिंग को संबोधित करिए, तो यहाँ पर एड्रेस पता नहीं होगा, यहाँ पर एड्रेस संबोधित करना होगा, मतलब आप बोलें और लोग सुने उस हिसाब से, मतलब डील करना, बेसिकली वो एड्रेस करना होता है। ठीक है ना, स्टैनली विटिंगम, अब ये हैं कौन, इनके बारे में इंफॉर्मेशन तो क्लेसी ने पोजीशन से चिपका दिया। आगे देखिए, स्टैनली विटिंगम अ केमिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बिंगहैम्पटन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ बिंगहैम्पटन में एक केमिस्ट के रूप में ये स्टैनली विटिंगम है। अब ये विटिंगम की यूनिवर्सिटी का क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, ये स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में है ना। वाज एट ऑयल जाइंट एक्सॉन, वो कहाँ थे, ऑयल जाइंट, तेल की सबसे बड़ी मतलब कंपनी हो सकती है या फिर मतलब रिफाइनरी हो सकती है, एक्सॉन, वहाँ पर थे। ठीक है ना, तो स्टैनली विटिंगम जो कि एक केमिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ बिंगहैम्पटन में, और यह है कहाँ की, स्टेट यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क की। ठीक है ना, ये जो आपके स्टैनली विटिंगम है, वाज एट ऑयल जाइंट एक्सॉन में थे, वो ये कहाँ थे, ऑयल जाइंट, तेल की जो बड़ी कंपनी या इंस्टीट्यूट हो सकता है वो एक्सॉन, वहाँ पर ये वर्क कर रहे थे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ जोड़ा कैसे गया है, स्टैनली विटिंगम ये तो नाम हो गया हमारा, नाउन हो गया मेन, उसके बाद में इनकी इन्फॉर्मेशन ही इन्होंने चिपका आगे दे दी है, एक केमिस्ट ये किसके बारे में, ये तो इन्हीं के बारे में, तो केसी ने पोजीशन से पूरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ तक। फिर जो हेल्पिंग वर्ब आई है ये आपके विटिंगम जी के लिए आई, तो विटिंगम वाज एट ऑयल जाइंट एक्सॉन, ऑयल जाइंट एक्सॉन में विटिंगम जी थे। ठीक है, व्हेन ही कंट्रीब्यूटेड, कब की बात है ये, व्हेन ही कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द लिथियम आयन बैटरी, जब उन्होंने कंट्रीब्यूट किया मतलब योगदान दिया टू द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में या विकास में, जब वो उन्होंने लिथियम आयन बैटरी के विकास में योगदान दिया, उस समय वो ऑयल जाइंट एक्सॉन में ठीक है वर्क कर रहे थे, और ये हैं कौन, ये एक केमिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बिंगहैम्पटन की। ठीक है, वो पर्टिकुलर एक्सॉन में वर्क कर रहे थे उस समय। गुड इनफ,
सेकंड जो थे जिनका कंट्रीब्यूशन था इस नोबल और मतलब कहने का नोबल प्राइज़ को पाने में या फिर लिथियम आयन बैटरी को डेवलप करने में, वो हैं गुड इनफ। इनका नाम ही कितना याद होने रहने वाला है, गुड इनफ, है ना। हु सर्व्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड बिफोर स्टडिंग मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इनके बारे में आप जान लीजिए कि यहाँ पर भी इन्होंने क्या है, एक एडजेक्टिव क्लास पूरा डाल दिया है गुड इनफ के लिए, ठीक है। गुड इनफ है कौन, हु सर्व्ड इन यूनाइटेड स्टेट, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट में सर्व की, अपनी सेवा दी यूनाइटेड स्टेट आर्मी में, इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध में, बिफोर स्टडिंग, किसके पहले, बिफोर स्टडिंग, पढ़ने से पहले मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस पढ़ने से पहले द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका आर्मी, यूएसए आर्मी में जिन्होंने सेवा दी, वो गुड इनफ बिकेम, बन गए एट 97 वर्ष की उम्र में द ओल्डेस्ट नोबल लॉरिएट, सबसे बुजुर्ग नोबल पुरस्कार पाने वाले विजेता, ठीक है ना। तो आपको सेंटेंस अगर एग्जैक्टली पढ़ना है तो है क्या, सेंटेंस सिर्फ यहाँ से है कि गुड इनफ बिकेम द ओल्डेस्ट नोबल लॉरिएट, गुड इनफ जो है सबसे बुजुर्ग नोबल लॉरिएट बन गए। अब इनके बारे में इंफॉर्मेशन ही डाली है हर जगह, गुड इनफ है कौन, जो कि जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट आर्मी में सर्विस दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, अपनी पढ़ाई इसमें करने से पहले, साथ में उनकी उम्र भी बता दी एट 97 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का तरीका है, एग्जैक्ट सेंटेंस क्या है वो आप देखेंगे। अब बिकेम है वो आपकी सेकेंड फॉर्म आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। योशिनो, अब ये कौन है, इनके बारे में फिर से केसी ने पोजीशन डाला, अ प्रोफेसर एट मिजो यूनिवर्सिटी, मिजो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ये अकीरा योशिनो, ठीक है। तो योशिनो ये यूनिवर्सिटी है कहाँ, जापान में, ठीक है। तो योशिनो जी जो हैं जापान में, वाज एट द आशाही कशाई कॉरपोरेशन, ठीक है, ये आशाही कशाई कॉरपोरेशन में ये वर्क कर रहे होंगे, ये एक प्रोफेसर है बेसिकली मिजो यूनिवर्सिटी के, ठीक है ना, ये यहाँ पर थे उस समय इस कॉरपोरेशन में। अब ये योशिनो के बारे में ही बता रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट केमिकल एंड मटेरियल साइंस कंपनीज इन द, सॉरी ये जो आई है वन ऑफ द बिगेस्ट केमिकल, ये इंफॉर्मेशन वाली, ये वाली लाइन, ये बेसिकली ये कॉरपोरेशन के लिए है। ये कहाँ पर थे, आशाई कशाई कॉरपोरेशन में। अब ये कॉरपोरेशन कैसा है, वन ऑफ द बिगेस्ट केमिकल एंड मटेरियल साइंस कंपनीज इन जापान, जापान की जो केमिकल और मटेरियल साइंस कंपनीज हैं उनमें से, उनकी सबसे बड़ी कंपनियों में से एक ये भी है आशाई कशाई कॉरपोरेशन, वहाँ पर ये वर्क कर रहे थे योशिनो जी, ठीक है। बेसिकली इनकी आइडेंटिटी क्या है, ये प्रोफेसर हैं मिजो यूनिवर्सिटी के, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, व्हाई आर लिथियम आयन बैटरीज इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये उठ के आता है कि लिथियम आयन बैटरीज इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस स्टोरी, मतलब इस एडिटोरियल को, या कह दें कि इस आर्टिकल को पढ़ के, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें आपको साइंस की भी छोटी छोटी चीज़ें जानने को मिलेंगी, और थोड़ा बड़ा भी है, ठीक है, लेकिन है ईजी, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो लिथियम आयन बैटरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, बाय द 1960 के दशक तक पेट्रोल ड्राइवन कार्स हैड प्रोलीफरेटेड, मतलब इंक्रीज इन नंबर, संख्या में बढ़ जाना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है एंटोनिम सिनोनिम्स के रूप में, प्रोलीफरेट मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना, ठीक है ना। तो 1960 के दशक तक पेट्रोल द्वारा संचालित कार, जैसे अब पेट्रोल संचालित कार लें तो पेट्रोल ड्राइवन, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा विद्युत संचालित है ना, तो इलेक्ट्रिक ड्राइवन, अगर डीजल संचालित तो डीजल ड्राइवन, तो ये एक ट्रांसलेशन लिखने का फॉर्म है, ठीक है, ये इससे आपको मतलब खुद को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है। पेट्रोल ड्राइवन कार्स हैड प्रोलीफरेटेड अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के चारों तरफ जो है पेट्रोल से चलने वाली कार की संख्या बढ़ी थी, कब, 1960 के दशक तक, ठीक है ना। हाउएवर, फिर भी रियलाइजेशन डॉन्ड, मतलब रियलाइजेशन मैंने वास्तविकता ने, डॉन का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब इजीली अंडरस्टैंड कर देना, समझा देना एक चीज़ तरह से, ठीक है ना। तो डॉन, एक तो डॉन मतलब मॉर्निंग भी होता है, लेकिन यहाँ डॉन वर्ब के रूप में है, तो बेसिकली डॉन का मतलब यहाँ पर जो होगा कि लोगों को समझ में आ गया एक तरह से। तो रियलाइजेशन डॉन मतलब रियलाइजेशन, वास्तविकता जो है वो सामने आ गई, ईजली ऑब्वियस एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल स्पष्ट हो गई, दैट की द बर्निंग ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल, इस जीवाश्म ईंधन की बर्निंग यानी इसका, इसकी जो खपत है, वाज हार्मफुल, नुकसानदेह यानी हानिकारक है, टू द इन्वायरमेंट पर्यावरण के लिए, एंड और अलॉन्ग विथ कोल और कोयले के साथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मोक, मतलब कहने का जिम्मेदार है ये किसके लिए, स्मोक के लिए, इन्वेलपिंग मेजर सिटीज़,
बड़ी बड़े शहरों को इनवेलपिंग मतलब इवन इनवेलप कर रहा है, ढक ले रहा है, एक तरह से कवर कर ले रहा है। स्मॉग क्या है, दिल्ली की हालत देखिए आपकी कितनी भयंकर स्मॉग है, ठीक है ना, तो मतलब इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन, तो उसी के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि धीरे धीरे क्या है 1960 के तक जो है पेट्रोल ड्राइविंग कार्स जो है बढ़ती गई, ठीक है, दशक तक। लेकिन फिर क्या हुआ, वास्तविकता सबके सामने आ गई, आसानी से दिखने लगी कि इस प्रकार के जीवाश्म ईंधनों की खपत जो है वो हार्मफुल होगी इन्वायरमेंट के लिए, और साथ साथ अगर कोयले के साथ अगर इसे देखा जाए तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी बात कर रहे हैं, अलॉन्ग विथ कोल और कोयले के साथ ये जिम्मेदार भी है स्मॉग के लिए, जो कि बड़े बड़े शहरों को घेर ले रहा है, मतलब कवर कर ले रहा है, ठीक है। तो हार्मफुल टू समथिंग, किस चीज़ के लिए हार्मफुल, तो हानिकारक, ठीक है, तो हार्मफुल का प्रपोजिशन टू होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में। आल्सो साथ ही फॉसिल फ्यूल वॉज लिमिटेड, जीवाश्म ईंधन सीमित थे, एंड रिसर्च वॉज लॉन्च टू डेवलप अल्टरनेट फ्यूल सोर्सेज, और जो शोध था वो शुरू कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया टू डेवलप, विकसित करने के लिए अल्टरनेट फ्यूल सोर्स, एक वैकल्पिक ईंधन का स्रोत, ठीक है ना। इसलिए चूंकि फॉसिल फ्यूल सीमित थे, सभी जानते थे कि ये सीमित है, एक समय के बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा मिलना, ठीक है, तो रिसर्चें जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई, किस लिए, वैकल्पिक ईंधन का स्रोत तलाशने के लिए, ठीक है। सिंस द अर्ली 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक, ठीक है, शुरुआत से केमिकल बैटरीज हैव बीन अराउंड, केमिकल बैटरीज जो है आपके चारों तरफ हैं, ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। अब ये केमिकल बैटरीज क्या होती है इनके बारे में थोड़ा बता रहे हैं, तो अब आप थोड़ा सा साइंस फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ना। दे कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, ये दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बनी होती है। अच्छा, कंसिस्ट का प्रीपोजिशन भी ऑफ होता है, ठीक है, कोई चीज़ किन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बनी है, तो इट कंसिस्ट ऑफ इट टू थिंग्स, ठीक है ना। ऐसे ही कंप्राइज भी आता है, कंप्राइज माने शामिल होना, जैसे मीटिंग्स ऑलरेडी ज़्यादातर जो है लिविंग बींग्स के लिए कंप्राइज आता है ना, द मीटिंग कंप्राइजेज या द ग्रुप कंप्राइजेज टू मेंबर्स, है ना, तो दो लोगों से मिलकर बना है, बस डिफरेंस कंप्राइज और कंसिस्ट में इतना ध्यान रखिएगा, कंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ठीक है, लेकिन कंप्राइज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ नहीं आता, कंप्राइज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन कंप्राइज जब पैसिव फॉर्म में आता है तो प्रीपोजिशन ऑफ के साथ आता है, ठीक है, जब उसका पैसिव सेंटेंस में कंप्राइज आएगा, है ना, तो जैसे कि दिस बोर्ड इज कंप्राइज ऑफ टू पर्संस, तो इज कंप्राइज, तो अब सीधी सी बात है पैसिव कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ऑफ प्रीपोजिशन ले लेगा। तो कंप्राइज के लिए आपको यह याद रखना है कि जब आपका एक्टिव सेंटेंस होगा तो कंप्राइज बिना ऑफ के आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, और जब पैसिव कंस्ट्रक्शन में आएगा तो प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, बट कंसिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन गायब कर देते हैं क्वेश्चन जब आपका स्पॉटिंग एरर का बनता है तब, और स्पॉटिंग एरर में ही अगर कंप्राइज डालते हैं तो प्रीपोजिशन ऑफ डाल देते हैं कि लड़के कंसिस्ट की जगह जैसे ऑफ लेता है वैसे कंप्राइज भी ऑफ लेगा, ये सोच करके, और टिक कर देंगे, मतलब उसको सही मानेंगे, लेकिन वो गलत होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, दे कंसिस्ट ऑफ, ये जो बैटरीज हैं ये दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बनी है, बिटवीन विच, जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ये तो आपने 9th, 10th, 11th, 12th इलेक्ट्रोलाइट वाला चैप्टर जो होता है उसमें ये सब अच्छे से बताया जाता है, ठीक है, 9th, 12th में, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री, अगर आपने ली है तो वहाँ पर भी पढ़ा होगा इंटर में, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स बिटवीन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, एंड जनरेट अ करंट, और एक करंट जनरेट करते हैं, ठीक है। द चैलेंज ऑफ सच बैटरीज, इस प्रकार की बैटरियों का जो चुनौती थी इज है टू चूज अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड, उचित रूप से इलेक्ट्रोड को चूज करना, एंड इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट का चूज करना, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूशन जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में रहता है, एक सॉल्यूशन भरा रहेगा ना इलेक्ट्रोलाइट, उसी से तो चार्ज फ्लो होकर के जाएगा, और दो इलेक्ट्रोड चाहिए, दो डंडी जो होती हैं प्लस माइनस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी चुनौती होती है इन बैटरियों में वो होती है कि चूज अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड, उचित इलेक्ट्रोड चुनना, एंड इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी चूज करना, ठीक है। विच मीडिएट्स, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, विच मीडिएट्स द करंट, जो कि करंट का माध्यम बनता है, एंड जनरेट सफिशियंट करंट, और पर्याप्त करंट उत्पादित करता है, सेफली, सुरक्षित रूप से, एट रूम टेम्परेचर पे, विदाउट ऑक्यूपाइंग टू मच स्पेस, बिना ज़्यादा जगह लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैटरी में, आपको इलेक्ट्रोड किस मटेरियल के लेने हैं ये डिसाइड करना होता है, और आप इलेक्ट्रोलाइट यानी सॉल्यूशन जो लोगे, जो मीडिएट करता है करंट को, करंट का माध्यम बनता है, एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रोड में जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी ना, वही तो इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो उसी के लिए कह रहे हैं कि उसको डिसाइड करना, ये सारी चीज़ें जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और चैलेंजिंग भी होती है, चुनौती हो जाती है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। लीड एसिड बैटरीज, जो लीड एसिड बैटरीज हैं स्टिल यूज्ड इन कार, जो अभी भी कार में यूज़ की जाती हैं टू स्टार्ट इंजन, इंजन को स्टार्ट करने के लिए, एंड पावर हेडलाइट्स और हेडलाइट को पावर देने के लिए, एंड पावर विंडोज़ और विंडोज़ को पावर देने के लिए, लीड एसिड बैटरीज की बात कर रहे हैं। अब इसके बारे में इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी, एक हाइफ़न यहाँ लगाया, एक हाइफ़न यहाँ, बाकी फिर ये जो आर लगा है ये इसी के लिए आया है, इसका ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहे हैं हालांकि, ठीक है। तो लीड एसिड बैटरीज आर टू बल्की, तो ये आप समझ में आया कि सेंटेंस कैसे कंप्लीट हो रहा है, और ये सब क्या है, ये सब इस नाउन की इन्फॉर्मेशन है। लीड एसिड बैटरीज, कैसी बैटरीज भाई, जो कि अभी भी कार में यूज़ होती हैं, किस लिए, इंजन को स्टार्ट करने के लिए या फिर हेडलाइट और विंडोज़ को पावर देने के लिए, ठीक है। तो ऐसी लीड एसिड बैटरीज आर टू बल्की, बल्की क्या होता है, पोर्टेबल का अपोजिट होता है। पोर्टेबल क्या होता है, इजी टू कैरी, बल्की वेरी डिफिकल्ट टू कैरी, जिसे ले जाना बड़ा मुश्किल हो इधर उधर, ठीक है, उसे बल्की कहते हैं। तो लीड एसिड बैटरीज आर बल्की, टू बल्की टू प्रैक्टिकली फंक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी भारी भरकम टाइप की होती हैं, टू प्रैक्टिकली फंक्शन, व्यवहारिक रूप से काम करने के लिए, एज कार इंजन्स, कार इंजन्स की तरह, ठीक है। जैसे कार इंजन आप कहीं भी तो लेके जा नहीं सकते एकदम से, तो कार इंजन भी भारी भरकम होता है, वैसे ही प्रैक्टिकली फंक्शन करने के लिए ये बैटरीज भी काफ़ी बड़ी होती हैं। लीड एसिड बैटरीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा फॉर्मेशन आप देखेंगे, टू बल्कि टू प्रैक्टिकली फंक्शन, तो यहाँ टू के बीच में एक एडजेक्टिव आता है, ठीक है। इसका जब आप मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो टू बल्कि टू प्रैक्टिकली फंक्शन है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप करो तो ऐसे होगा, सो बल्कि दैट इट कैन नॉट प्रैक्टिकली फंक्शन, इतनी ज़्यादा बल्कि है कि ये प्रैक्टिकली फंक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। तो टू बल्कि टू प्रैक्टिकली को सो बल्कि दैट इट कांट, इट कैन नॉट प्रैक्टिकली फंक्शन, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। एक्शन, अब एक्शन के बारे में आप जानिए, विच वॉज वरीड अबाउट डिप्लीटिंग ऑयल स्टॉक, एक्शन जो थी फर्म पर्टिकुलर, वो विच वॉज वरीड, जो कि चिंतित थी अबाउट डिप्लीटिंग, किसके बारे में, डिप्लीटिंग माने कम हो रहे ऑयल स्टॉक्स के, तेल के भंडार के बारे में, उस एक्शन ने क्या किया, कमीशनड टॉप रिसर्चर्स, उसने श्रेष्ठ शोधकर्ताओं को लगाया टू फाइंड, खोजने के लिए अल्टरनेटिव, मतलब कहने का वैकल्प, विकल्प टू फॉसिल फ्यूल्स, मतलब जीवाश्म ईंधनों के, ठीक है। तो एक्सॉन जो कि बहुत ज़्यादा चिंतित थी डिप्लीटिंग ऑयल स्टॉक्स के लेकर के, मतलब कम हो रहे तेल के भंडार को लेकर के, वो उसने क्या किया, कमीशन कर दिया, लगा दिया, नियोजित कर दिया टॉप रिसर्चर्स को टू फाइंड अल्टरनेटिव्स टू फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन के वैकल्पिक स्रोत तलाशने में, ठीक है। वन ऑफ देम, उनमें से एक कौन थे, विटिंगम थे। अब आप देखिए कि एक्सॉन ने जो मतलब प्रोसेस शुरू किया उसमें कैसे इन तीनों का योगदान रहा, तीनों लोग कैसे एक दूसरे से जुड़ते गए, ठीक है, कोई कहीं का, कोई कहाँ, कहीं का, और तीनों ने कैसे एक साथ कंट्रीब्यूशन किया, वो आपको यहाँ पता लगेगा, ठीक है। तो पूरी एक स्टोरी ही है जिसे आप इंजॉय करना चाहें तो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ देम, उनमें से एक, तीनों में से एक कौन थे, विटिंगम थे। स्टडीड सॉलिड मटेरियल्स, सॉलिड मटेरियल्स का इन्होंने अध्ययन किया। हुज एटम्स हैड स्पेसेस, जिसके एटम में स्पेस होता है बिटवीन देम, उनके बीच में एटम्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। फिटिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स इन देम, अगर उनके स्पेस के बीच में पर्टिकुलर सॉलिड मटेरियल जो होते हैं उनके एटम्स में स्पेस होता है, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज आयन को अगर उनके अंदर फिट कर दिया जाए, उन स्पेस में भर दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है अ प्रोसेस कॉल्ड इंटरकैलेशन, इंटरकॉलेशन एक प्रोसेस कहलाता है। मतलब एक सॉलिड मटेरियल लो, उसमें कुछ स्पेस होंगे उनके एटम्स के बीच में, उसमें अगर आप पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस फिल कर देते हो तो उस प्रोसेस को हम इंटरकॉलेशन कहते हैं। इंटरकॉलेशन प्रोसेस ये बार बार यूज़ होगा, ठीक है, तो आप समझ लिए यहाँ पे। अब आप देखेंगे फिटिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इन देम, प्रोसेस कॉल्ड इंटरकैलेशन जिसे कहते हैं, चेंज्ड देयर प्रॉपर्टीज, वो उसने उसकी क्या प्रॉपर्टी चेंज कर दी। एंड विटिंगम फाउंड, और विटिंगम ने फिर पाया दैट की पोटेशियम आयन्स, जब पोटेशियम आयन व्हेन इंटरकैलेटेड, जब इन्हें इंटरकैलेट किया जाता है इन टाइटेनियम, टाइटेनियम में, मेड फॉर एन एक्सट्रीमली एनर्जी डेंस मटेरियल, मेड फॉर का मतलब होता है हेल्प टू मेक समथिंग पॉसिबल, किसी चीज़ को निर्माण करने में सहायता करना, तो मेक फॉर एन एक्सट्रीमली एनर्जी डेंस मटेरियल, एक बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान मटेरियल बनाने में सहायता की, ठीक है। तो विटिंगम ने बेसिकली किया क्या, पॉजिटिवली चार्ज आयन जो इसने, यहाँ पर तो इन्होंने इंटरकैलेशन की प्रोसेस बताई है ना, चेंज देयर प्रॉपर्टीज़, वो और इंटरकैलेशन से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, और यही करके विटिंगम ने ये पाया जब पोटेशियम आयन को इंटरकैलेट किया जाता है टाइटेनियम में, तो ये सहायता करता है एक एक्सट्रीमली एनर्जी डेंस मटेरियल का निर्माण करने में, ठीक है। लिथियम इज आल्सो अ लाइट एलिमेंट, लिथियम भी एक हल्का तत्व है, एंड यूजफुल एज एन
इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूजफुल है, ठीक है। ही फाउंड, उसने ऐसा पाया विटिंगम ने, ठीक है। तो शुरुआत विटिंगम से हो रही है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं ना। बैटरी, एक बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स शुड फ्लो फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब इसको उन्होंने क्या नाम दिया था, एनोड, ठीक है। तो एक बैटरी में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना चाहिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को जिसमें माइनस चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो थोड़ी सी केमिस्ट्री यहाँ आप पढ़ लोगे। और टू द पॉजिटिव वन, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, द कैथोड कहते हैं। यानी प्लस आयन कैथोड होता है, माइनस आयन एनोड होता है, ठीक है। तो एक बैटरी में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना चाहिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड से टू द पॉजिटिव वन, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, ठीक है ना। देयरफोर, इसलिए द एनोड शुड कंटेन अ मटेरियल, एनोड में एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए, भाई सीधी सी बात है कि एनोड में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। तो एनोड में एक ऐसा मटेरियल आपको रखना पड़ेगा दैट इजली गिव्स अप इट्स इलेक्ट्रॉन, जो कि आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दे सके, एंड लिथियम रिलीजेस, और लिथियम रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन्स को विलिंगली, बड़ी स्वेच्छा से, इसलिए लिथियम एनोड की जगह वर्क कर सकता है। दिस मेड फॉर एन आइडियल बैटरी, और ये एक आइडियल बैटरी का मतलब, दिस मेड फॉर, मेड फॉर मतलब हेल्प टू मेक, दिस हेल्प टू मेक एन आइडियल बैटरी, और ये सहायता करेगा, करता है किसके, आइडियल बैटरी, एक आदर्श बैटरी निर्माण में, ठीक है ना। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ लॉजिक दिए हैं। वाज विटिंगम्स बैटरी अ सक्सेस, क्या विटिंगम की बैटरी एक सक्सेस थी, एक सफलता पाई उसने या नहीं, अब इसके बारे में आप जानिए, ठीक है। तो एक्सन वाज इम्प्रेस्ड विद द प्रोडक्ट, एक्सन जो था बेसिकली वो इम्प्रेस्ड था विद द प्रोडक्ट, मतलब किस प्रोडक्ट से, जो विटिंगम ने बनाया, एंड डिसाइडेड, और उसने निर्णय लिया टू गो अहेड, आगे जाने का, विथ कॉमर्शियली मैन्युफैक्चरिंग द बैटरी, मतलब व्यवसाय के रूप में मैन्युफैक्चर, निर्माण करने का द बैटरी, इस बैटरी का, ठीक है ना। तो एक्सन काफ़ी इस प्रोडक्ट से इम्प्रेस था, और फाइनली उसने डिसाइड किया टू गो अहेड, आगे जाने का, विथ कॉमर्शियली मैन्युफैक्चरिंग द बैटरी, कॉमर्शियली रूप से बैटरी को मैन्युफैक्चर करने का। तो हो सकता है ये कोई चीफ भी हो सकता है किसी फर्म का जिसका नाम है एक्सन, तो एक्सन आप गूगल भी कर लेंगे, हो सकता है किसी फर्म का नाम हो, या ये पर्टिकुलर फर्म मानी कंपनी का नाम हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर कोई चीफ या हेड हो जिसके अंडर में ये विटिंगम ने वर्क किया था, तो वहाँ पर ये एक्सन आया रहा हो, ठीक है। तो ये आप सर्च कर लेंगे, तो यहां से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई पर्टिकुलर पर्सन ही है, ठीक है। तो एक्सन वाज इंप्रेस्ड, एक्सन इस प्रोडक्ट से इंप्रेस हुआ, और उसने निर्णय लिया टू गो अहेड, आगे जाने का, विद कॉमर्शियली मैन्युफैक्चरिंग बैटरी, बैटरी को कॉमर्शियल रूप में, कॉमर्शियल मतलब तक अब हम बना के इसे बेचेंगे, इस प्रकार से इसने डिसीजन लिया, ठीक है। हाउएवर, फिर भी सब्सिक्वेंट टेस्ट, एक के बाद एक, सब्सिक्वेंट मतलब एक टेस्ट, उसके बाद अगला, फिर उसके बाद अगला, फिर उसके बाद अगला, इस तरह, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट टेस्ट मतलब एक के बाद एक टेस्ट किए गए, उन्होंने क्या किया, रिवील्ड, खुलासा किया प्रॉब्लम, समस्याओं का। कोई चीज़ आप बना तो लेते हो, लेकिन जब उसकी टेस्टिंग होती है तो उसके लूप होल्स, उसकी जो खामियां हैं वो बाहर निकल के आती हैं। तो वही कह रहे हैं, सब्सिक्वेंट टेस्ट रिवील्ड प्रॉब्लम्स, उन्होंने समस्याएं उजागर कर दी, खुलासा कर दिया। एज द न्यू लिथियम बैटरी, एक जो नई लिथियम बैटरी है, वाज रिपीटेडली चार्ज, उसको रिपीटेडली बार बार चार्ज किया गया, थिन सिल्वर ऑफ लिथियम, जब एक लिथियम बैटरी को बार बार चार्ज किया गया तो थिन सिल्वर्स ऑफ लिथियम ग्रीव फ्रॉम द लिथियम इलेक्ट्रोड, और उसका जो सफ़ेद सफ़ेद व्हाइट व्हाइट पार्ट था लिथियम का, मतलब जो, तो वो क्या हो गया, ग्रीव फ्रॉम द लिथियम इलेक्ट्रोड, लिथियम इलेक्ट्रोड से बाहर निकलने लगा, ठीक है। धीरे धीरे जब एक बैटरी को आप बार बार चार्ज करोगे, तो वो उस समय कंडीशन बता रहे हैं कि जब बैटरी बन गई तो उसको बार बार चार्ज किया गया, यूज़ किया गया, तो चार्ज करने से हुआ क्या कि एक थिन सिल्वर जो है लिथियम, वो लिथियम का ही एक पर्टिकुलर पार्ट, पतला सा सिल्वर टाइप का था, वाइट टाइप का, तो वो उससे निकलने लगा लिथियम इलेक्ट्रोड से, ठीक है। और फिर हुआ क्या, व्हेन दे रीच्ड द अदर इलेक्ट्रोड, और जब वो व्हाइट पार्ट अदर इलेक्ट्रोड में पहुंचता था, और द कैथोड, या फिर हम उसे कैथोड कह सकते हैं, अदर इलेक्ट्रोड क्या हुआ, एनोड से कैथोड ही तो हुआ, तो जब वो एनोड से निकल के वो कैथोड में पहुंचता, द बैटरी शॉर्ट सर्किटेड, तो बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो जाता, विच कुड लीड टू एन एक्सप्लोजन, जिस जो कि एक विस्फोट की तरफ ले जाता था, एक विस्फोट सा धमाका टाइप का हो जाता था छोटा मोटा, ठीक। तो इस प्रकार से ये एक मतलब लूप होल था, जिसको मतलब कहने का हमें दूर करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टू मेक द बैटरी सेफर, बैटरी को सुरक्षित बनाने के लिए एल्युमिनियम वाज एडेड, एल्युमिनियम ऐड कर दिया गया टू द मेटालिक लिथियम इलेक्ट्रोड, लिथियम इलेक्ट्रोड यानी एनोड जो था उसको, उसमें एल्युमिनियम ऐड कर दिया गया बैटरी को सेफ बनाने के लिए, एंड द इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स वाज चेंज, और जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था उसको क्या कर दिया गया, उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। द बैटरीज दस, इस प्रकार जो बैटरीज थी मेड, बैटरीज दस मेड, इस प्रकार से जो बैटरी बनाई गई थी वर स्मॉल, काफ़ी
छोटी थी एंड द नेक्स्ट स्टेप वाज और अगला जो कदम था वाज टू मेक देम बिग इनफ उन्हें पर्याप्त मात्रा में बड़ा बनाना टू बी यूज्ड इन कार ताकि उन्हें कार में यूज़ किया जा सके ठीक है। हाउएवर फिर भी द प्राइस ऑफ ऑयल तेल की कीमत नोज डाइव मतलब होता है प्लमेटेड गिर गई काफ़ी कम हो गई इन द अर्ली 1980s में एंड एक्शन नीडेड और एक्शन को आवश्यकता थी टू मेक कटबैक्स मतलब कहने वो जो कट्स हुए हैं जो कटौती हुई है उनके फिर से बढ़ने की एंड द डेवलपमेंट वर्क वाज डिसकंटिन्यूड और फाइनली जो डेवलपमेंट वर्क था वो क्या था वो पर्टिकुलरली डिसकंटिन्यू हो गया वहीं से ठीक है। अब आगे क्या होता है आगे देखिए व्हाट वर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ गुड इनफ एंड योशिनो तो अभी तो विटिंगम ही चल रहे हैं अकेले आखिर गुड इनफ और योशिनो का क्या कंट्रीब्यूशन था अब आप उसको जानेंगे ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर गुड इनफ हैड मूव टू ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी एज अ प्रोफेसर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन के प्रोफेसर के रूप में ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी गुड इनफ जो थे वो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी गए एंड ही सेट टू वर्क और वो सेट टू वर्क मतलब रेडी टू वर्क वो काम करना उन्होंने के लिए तैयार हो गए या फिर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया ऑन इम्प्रूविंग विटिंगम्स बैटरी विटिंगम की बैटरी में ठीक है विटिंगम की बैटरी में मतलब इम्प्रूव करने विटिंगम की बैटरी को इम्प्रूव करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया वहाँ पर ठीक है। ही इवेंचुअली फाउंड और उन्होंने अंतिम इवेंचुअली मतलब फाइनली उन्होंने अंतिम रूप से ये पाया दैट की द कैथोड कुड हैव अ हायर पोटेंशियल कैथोड के पास एक हायर पोटेंशियल हो सकता है इफ यदि इट वॉज बिल्ट यूजिंग अ मेटल ऑक्साइड अगर इसको मेटल ऑक्साइड का यूज़ करके बनाया जाए इंस्टीड ऑफ अ मेटल सल्फाइड की जगह अगर हम मेटल ऑक्साइड का यूज़ करके इसको बनाते हैं तो निश्चित रूप से कैथोड का एक हायर पोटेंशियल हो सकता है काफ़ी ज़्यादा उसमें वोल्टेज आ सकता है ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं द चैलेंज ऑफ फॉर गुड इनफ एंड हिज कलीग्स वाज अब जो चुनौती थी गुड इनफ के लिए और उसके साथियों के लिए वाज थी क्या थी। अब देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे गुड इनफ हो गया उसके कॉलीग्स हो गए तो वहाँ वाज क्यों आया वर क्यों नहीं आया लेकिन आप ध्यान देंगे जो वर्ब होती है वो आपके फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होती है जो नाउन होता है उसके लिए होती है बेसिकली ठीक है। तो यहाँ चैलेंज वाज आखिर क्या था चैलेंज तो चैलेंज की बात हो रही है चैलेंज एक सिंगुलर नाउन है इसीलिए यहाँ पे आपका वाज आया। ये चैलेंज है किसके लिए फॉर गुड इनफ एंड हिज कॉलीग्स तो गुड इनफ और कॉलीग्स के लिए चैलेंज है लेकिन मेन नाउन क्या है जो सब्जेक्ट है वो तो चैलेंज ही है ना तो प्रीपोजिशन फॉर हुआ पहला प्रीपोजिशन इसके पहले वाला नाउन चैलेंज इस चैलेंज के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है ठीक है। तो चैलेंज वाज जो चुनौती थी इनके लिए वाज टू फाइंड अ मेटल ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड चूज करना खोजना दैट प्रोड्यूस्ड अ हाई वोल्टेज जो कि एक हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर सके व्हेन इट इंटरकैलेटेड लिथियमाइन जब उसमें लिथियमाइन फिल किए जाएँ ठीक है। बट लेकिन विच डिड नॉट कोलैप्स वो कोलैप्स ना कर जाए व्हेन द आयंस वर रिमूव जब उनके आयन को रिमूव किया जाए ठीक है ये कंडीशन थी। इवेंचुअली फाइनली दे चांस्ड अपॉन अ बैटरी उन्होंने रिस्क लिया खतरा लिया एक तरह से अपॉन अ बैटरी एक बैटरी में विथ लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड लिथियम और कोबाल्ट ऑक्साइड इन कैथोड में ठीक है कैथोड में कोबाल्ट ऑक्साइड और लिथियम के इंटरकैलेशन को लेकर के उन्होंने एक चांस लिया विच वाज ऑलमोस्ट ट्वाइस जो कि लगभग दुगुना एज पावरफुल शक्तिशाली था एज विटिंगम्स बैटरी विटिंगम की बैटरी की अपेक्षा ठीक है। तो आपको समझ पाया आया होगा कि गुड इनफ की आखिर क्या कंट्रीब्यूशन रही इस डिस्कवरी में ठीक है। अब विटिंग योशिनो जी बचे अभी गुड इनफ के पास भी कोई प्रॉब्लम है या फिर उसने सब कुछ रिजॉल्व कर दिया वो भी पढ़िए। गुड इनफ्स मेजर इनसाइट इनसाइट मतलब कहने का खुद का उसका अपना विचार था ऐसा थॉट था गुड इनफ का जो सबसे मेजर इनसाइट था वाज दैट वो ये था कि बैटरी डिड नॉट हैव टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन देयर चार्ज स्टेट मतलब बैटरीज को नहीं बनाया जाना चाहिए मैन्युफैक्चर निर्माण किया जाना चाहिए इन देयर चार्ज्ड स्टेट उनके चार्ज्ड स्टेट में एज हैड बीन डन प्रीवियसली जैसा कि पहले किया गया था पहले चार्ज्ड स्टेट में ही उनको मैन्युफैक्चर किया जाता था ठीक है लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए ऐसा पर्टिकुलर गुड इनफ का सबसे बड़ा इंसाइट था ऐसा उसका विचार था ठीक है ना। इंस्टीड इसके बदले दे कुड बी चार्ज्ड आफ्टरवर्ड उसके बाद उन्हें चार्ज किया जाए मतलब पहले आप बैटरी बना लीजिए बेसिकली उसके बाद उसे चार्ज कीजिए उसे चार्ज्ड स्टेट में मत मैन्युफैक्चर कीजिए ऐसा इंसाइट था गुड इनफ का ठीक है। इन 1980 में अ न्यू एनर्जी डेंस कैथोड मटेरियल वाज अवेलेबल एक नया एनर्जी डेंस काफ़ी ज़्यादा हाईली एनर्जी कर रखने वाला कैथोड मटेरियल जो है वाज अवेलेबल उपलब्ध हो गया
एंड विच डिस्पाइट इट्स लो वेट, जो कि अपने कम वजन के बावजूद रिजल्टेड इन पावरफुल, काफ़ी शक्तिशाली परिणाम स्वरूप निकल के आया, हाई कैपेसिटी बैटरीज, और वो हाई कैपेसिटी बैटरीज थी। दिस यह हाउएवर फिर भी डिड नॉट लीड टू एन ऑटोमोबाइल रिवॉल्यूशन, ये उसके इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी हाई कैपेसिटी बैटरीज मिल गई उसके बाद भी, दिस डिड नॉट लीड टू एन ऑटोमोबाइल रिवॉल्यूशन, इससे ऑटोमोबाइल में कोई भी क्रांति नहीं आई, बट लेकिन ट्रिगर्ड उसने शुरू कर दिया अ वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक्स रिवॉल्यूशन, वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक्स में रिवॉल्यूशन क्रांति शुरू कर दी। ऑटोमोबाइल में कोई रिवॉल्यूशन नहीं आया, बट वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक्स में निश्चित रूप से रिवॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। दिस वाज व्हेन, यह तब हुआ व्हेन जब योशिनो केम इन टू द पिक्चर, इस पूरे के पूरे मामले में योशिनो आए, ठीक है, केम इन टू द पिक्चर। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इन जापान वर लुकिंग फॉर लाइट रिचार्जेबल बैटरी, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज थी जापान की, वो एक हल्के रिचार्जेबल बैटरी की तलाश कर रही थी दैट कुड पावर वीडियो कैमरा, जो कि वीडियो कैमराज को शक्ति पावर दे सके, कॉर्डलेस टेलीफोन्स को पावर दे सके, एंड कंप्यूटर्स को पावर दे सके। योशिनो जी, अब ये आ गए, हु वाज वर्किंग एट आशाही कशाई कॉरपोरेशन, ठीक है, योशिनो जी जो कि काम कर रहे थे आशाही कशाई कॉरपोरेशन में, इन्होंने क्या किया, यूज्ड गुड इनफ लिथियम कोबाल्ट डिज़ाइन, इन्होंने गुड इनफ के लिथियम कोबाल्ट डिज़ाइन को लिया एज अ वर्किंग टेम्पलेट, एक वर्किंग कार्य करने वाली योजना के रूप में, ठीक है, एंड ट्राइड और प्रयास किया वेरियस कार्बन बेस्ड मटेरियल्स, अलग अलग प्रकार के कार्बन आधारित मटेरियल्स का एज द एनोड के रूप में, ठीक है। रिसर्चर्स हैड प्रीवियसली शोन, जो शोधकर्ता थे उन्होंने पहले ही दिखा दिया था दैट कि लिथियम आयंस कुड बी इंटरकैलेटेड इन द मॉलिकुलर लेयर इन ग्रेफाइट, कि लिथियम आयंस जो है उन्हें इंटरकैलेट किया जा सकता है मॉलिकुलर लेयर में इन ग्रेफाइट, मतलब कहने का ग्रेफाइट के अंदर, ठीक है, बट लेकिन द ग्रेफाइट वाज ब्रोकन डाउन बाय द बैटरीज इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो तो बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के कारण ही टूट जाता है, उस सॉल्यूशन के कारण ही टूट जाता है, ब्रोक डाउन, खत्म हो जाता है। तो योशिनो यूज्ड पेट्रोलियम कोक, तो अब उन्होंने पेट्रोलियम कोक का प्रयोग किया, अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल इंडस्ट्री का एक उत्पाद है, एक तरह मतलब बचा हुआ उत्पाद टाइप का है पेट्रोलियम कोक, वो जो निकल के आता है उसका उन्होंने यूज़ किया। एंड व्हेन ही चार्ज द पेट्रोलियम कोक, और जब उन्होंने पेट्रोलियम कोक को चार्ज किया विथ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के साथ, द लिथियम आयंस वर ड्रॉन इन टू द मटेरियल, तब लिथियम आयन जो है वो जाके बस गए मटेरियल के अंदर, उसमें सेटल हो गए, एक तरह से ड्रॉ इन टू मतलब बेसिकली सेटल हो जाना, ठीक है, इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है ना, ये कहने का मतलब। आगे पढ़ते हैं, When he turned on the battery, और जब उन्होंने बैटरी को टर्न ऑन किया, the electrons and lithium ions flow towards the cobalt oxide in the cathode, और जैसे उन्होंने बैटरी को ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन और लिथियम के जो आयंस थे वो फ्लो करने लगे कार्बन कोबाल्ट ऑक्साइड, जो कि कैथोड की जगह पर था, ठीक है, वहाँ पर फ्लो करने लगे, तो एनोड से कैथोड में, इस तरह, ठीक है। दो यद्यपि द वोल्टेज जनरेटेड इन योशिनोज बैटरी वॉज सिमिलर टू गुड इनफ बैटरी एट 4 वोल्ट, यद्यपि जो वोल्टेज था योशिनो की बैटरी द्वारा जनरेट किया गया वह सिमिलर, वो काफ़ी सिमिलर था टू द गुड इनफ्स बैटरी एट 4 वोल्ट, गुड इनफ की बैटरी के वोल्टेज के बराबर, एट कितने पर, 4 वोल्ट पर, इट वॉज अ स्टेबल बैटरी, लेकिन ये एक स्टेबल बैटरी थी, ठीक है। तो यद्यपि जो वोल्टेज योशिनो बैटरी द्वारा जनरेट किया गया वो गुड इनफ की 4 वोल्ट की बैटरी के बराबर ही था, लेकिन फिर भी इट वॉज अ स्टेबल बैटरी, ये एक स्टेबल बैटरी थी, इट हैड ए लॉन्ग लाइफ, इसकी लंबा लाइफ थी, एंड कुड बी चार्ज सेवरल टाइम्स, और इसे कई बार चार्ज किया जा सकता था बिफोर इट्स परफॉर्मेंस डिटोरिएटेड, जब तक इसकी परफॉर्मेंस डिटोरिएटेड बिगड़ ना जाए, ठीक है, डिटोरिएट मतलब नष्ट हो जाना, गड़बड़ हो जाना, ठीक है, तो जब तक उसकी स्थिति गड़बड़ ना हो जाए तब तक उसे कई बार चार्ज किया सकता था, ठीक है। मोर ओवर, इसके अलावा द बैटरी डिजाइंड एस्च्यूड प्योर लिथियम, मतलब जो बैटरी का डिज़ाइन था उसने एस्च्यूड मतलब अवॉइडेड, वो बचा प्योर लिथियम का प्रयोग करने से, प्योर लिथियम का प्रयोग करने से वो लोग बचे, विच इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, जो कि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, एंड एक्सप्लोड्स ऑन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड वाटर, और विस्फोट कर सकता है हवा और पानी के संपर्क में आने में, ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ करने से बचे ये लोग। द लिथियम कोबाल्ट डिज़ाइन, और लिथियम कोबाल्ट जो डिज़ाइन था वह सेफ, सुरक्षित था, एंड कुड बी मैन्युफैक्चर्ड, और इसे निर्मित किया जा सकता था इन अ वैरायटी ऑफ साइज, अलग अलग साइज में, एंड कंडीशंस, और अलग अलग कंडीशंस में, ठीक है। देयर हैव बीन सब्सिक्वेंट इम्प्रूवमेंट्स, उसके बाद भी कई सारे संशोधन हुए, इम्प्रूवमेंट सुधार हुए टू दिस डिज़ाइन, इस डिज़ाइन में टू भी,
ठीक है, एंड दैट्स व्हाट, और यही वो चीज़ है व्हाट मेड इट अमेनेबल। अमेनेबल मतलब होता है व्यवहारिक एक तरह से, है ना, इजली यूजेबल अकॉर्डिंग टू यू, आसानी से आप अपने अनुसार जिसे प्रयोग कर सके, दैट्स व्हाट मेड इट अमेनेबल, और यही वो चीज़ थी जिसने इसे उपयोग करने योग्य बनाया अपने हिसार अपने अनुसार टू स्मार्टफोन्स स्मार्टफोन्स में एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में दैट रिक्वायर रिचार्जेबल बैटरीज, उन सभी डिवाइसेज में जिन्हें आवश्यकता है रिचार्जेबल बैटरीज की, मतलब ऐसी बैटरीज की जहाँ जिसको फिर से रिचार्ज किया सके। तो सोचिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने किया तब जा करके फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, है ना, ऑल दे आर अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज ऑफ इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला है 2019 का, ठीक है ना। तो इतने वर्षों का संघर्ष और फाइनली इनको ये अवार्ड मिला। तो आई होप कि ये जो तीन लोग हैं विटिंगम जी आपके गुड इनफ और ये अकीरा योशिनो, इन तीनों को मिल करके केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है 2019 में, किस लिए, टू डेवलप मतलब फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरी। तो ये भूलना तो नहीं चाहिए और यही आपके लिए काम का है जो आपके करंट अफेयर्स में या फिर मतलब जीएस वगैरह में पूछा जाएगा आगे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं कुछ वर्ड्स मीनिंग्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। एडिफाइस होता है अ लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग, एक बड़ी सी बहुत ही शानदार भव्य इमारत जिसे मैंशन कह सकते हो आप, महल कह सकते हो, ठीक है। पोर्टेबल होता है दैट इज़ ईजी टू कैरी, जिसे आसानी से कैरी किया जा सके वो पोर्टेबल होता है, ठीक है। बल्कि इसी का वो अपोजिट हो जाता है लार्ज एंड डिफिकल्ट टू कैरी, ठीक है, ये बल्कि भी आया है लार्ज एंड डिफिकल्ट टू कैरी, इसी का अपोजिट जस्ट। इनविसेज होता है टू इमेजिन व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, उस चीज़ की कल्पना करना जो कि भविष्य में हो सकती है, इस्टीमेट करना, अनुमान लगाना, ठीक है। व्हाट लेवल ऑफ प्रॉफिट डू यू इनविसेज, किस स्तर का मुनाफा आप उम्मीद करते हो, एक्सपेक्ट करते हो, तो एनविसेज यहाँ पर अनुमान लगाना, गेस करना या इमेजिन करने के लिए आता है, ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो। प्रोलिफरेट ये तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, टू इंक्रीज रैपिडली इन नंबर और अमाउंट, संख्या में या फिर मात्रा में बढ़ना, ठीक है। डॉन मॉर्निंग भी होता है लेकिन डॉन यहाँ पर क्या है, टू बिकम ऑब्वियस एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब स्पष्ट हो जाना, लोगों को समझ में आ जाना, ऐसे जैसे स्लोली द ऑफुल ट्रूथ डॉन्ड, मतलब धीरे धीरे जो डॉफुल मतलब भयावह एक सत्य था डॉन लोगों के समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया, ठीक है। बल्कि होता है लार्ज एंड डिफिकल्ट टू कैरी, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। मेड फॉर समथिंग होता है, मेड किया मेक कर लीजिए आप, मेक फॉर समथिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने दीजिए, मेक फॉर समथिंग हेल्प टू मेक समथिंग पॉसिबल, मतलब किसी चीज़ को संभव बनाने में सहायता करना, तो मेक फॉर समथिंग, जैसे कॉन्स्टेंट आर्गुइंग डजंट मेक फॉर अ हैप्पी मैरिज, लगातार तर्क वितर्क जो है वो नहीं मेक फॉर करेगा, मतलब सहायता नहीं करेगा एक खुशहाल शादी बनाने में, ठीक है, ये कहने का मतलब। नोज डाइव होता है टू फॉल सडनली, अचानक से गिर जाना, गिरावट होना, प्लमेट होता है ना, फॉल सडनली बिल्डिंग, ये एग्जांपल देखेंगे आप, बिल्डिंग कॉस्ट्स हैव नोज डाइव, मतलब बिल्डिंग की जो कीमतें हैं वो अचानक से गिर गई, ठीक है, ये कहने का मतलब है। आगे पढ़ते हैं। एस्यू deliberately avoid or keep away from something, जानबूझ करके avoid करना या फिर किसी चीज़ से दूर रहना, वो होता है eschew करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैड eschewed पॉलिटिक्स, ही हैड avoided पॉलिटिक्स, उसने राजनीति को अवॉइड किया, मतलब वो बचा, ठीक है। amenable होता है दैट यू कैन ट्रीट इन अ पर्टिकुलर वे, इन अ पर्टिकुलर, ये वाजनीय वे, ठीक है ना। ईजी टू कंट्रोल, मतलब कहने का जिसे आप अपने अनुसार प्रयोग कर सकें और ईजी टू कंट्रोल और वो आसानी से आपके नियंत्रण में हो, उसे हम कहते हैं अमीनेबल, ठीक है। तो अमीनेबल बैटरीज आप कह सकते हो, मतलब वो ईजिली आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, अपने हिसाब से जहाँ यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो, है ना, और वो आसानी से कंट्रोल करने योग्य भी है, तो वो अमीनेबल बैटरीज कहला सकती हैं, ठीक है। तो ये थे वर्ड्स और आज का एडिटोरियल, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।